वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूँ एके यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी अपन को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, मतलब जो हमें एपी दी गई है इसका पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो मान लेते कि nth जो टर्म होगी इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी, तो nth टर्म का मतलब क्या हो गया an। तो जो an होगा अगर वो नेगेटिव है मतलब क्या होना चाहिए, an लेस देन 0 होना चाहिए। हालांकि हमें हिंट में भी दिया हुआ है बट हम खुद भी ऐसा सोच सकते थे। तो बस इसी चीज का यूज करके यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जो भी एपी गिवन थी मैंने यहाँ पर उसको लिख लिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो इसकी nth टर्म है वो इसकी पहली नेगेटिव टर्म है ये मान लेते हैं। तो मतलब क्या है कि जो nवीं टर्म है यानी कि an वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो जो an है वो लेस देन 0 ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, और ये क्या होगी ये 0 से छोटी होगी। यहाँ पे जो हमें ap दी गई यहाँ से आप देख सकते हो कि जो a है यानी फर्स्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू है 121, और जो d है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आप a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू 117 और a1 की वैल्यू 121। ठीक है, तो यहाँ पर करोगे तो 121 में से इसे माइनस कर दो 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो जो d है उसकी वैल्यू कितनी जाएगी -4, और जो a है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 121। इसको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने रखा 121 प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता तो n की जगह n रहेगा -1 इंटू में d, d की वैल्यू कितनी है -4, और लेस देन कितना है लेस देन 0 है। ठीक है, 121 को अभी आप ऐसे रहने दो, -4 को इधर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, -4 इंटू में एन कितना हो जाएगा -4n हो जाएगा। ठीक है, तो -4n हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा कितना हो गया 4, लेस देन कितना 0। ठीक है, ये चीज़ क्या है 0 से छोटी होगी। तो यहाँ से 121 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा 125, माइनस में कितना हो गया 4n, लेस देन कितना है 0। अब हम क्या करेंगे, देखो -4n यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ +4n ऐड कर देंगे। आप लिख सकते हो एडिंग बोथ साइड 4n, दोनों तरफ मैंने क्या किया 4n ऐड कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, इस 4n से ये 4n कट जाएगा, यहाँ बचेगा 125, और ठीक है ये निशान यहाँ पर 0 +4n ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इनइक्वेलिटी को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा उसको हम बोलते हैं इनइक्वेलिटी, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है। तो इनइक्वेलिटी को ऐसे ही सोल्व किया जाता है, जिस चीज़ को आपको हटाना है वो आप दोनों तरफ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो जैसा भी क्वेश्चन में उसके हिसाब से। तो यहाँ पर -4n था तो मैंने दोनों तरफ +4n कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो दोनों तरफ यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे n के साथ 4 है वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा n, और 125 डिवाइड बाई 4 है, जब इसको आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12, 12 कट गया आगे बचा है 5, तो इसको आप 4 से काटोगे तो 4 वन जा 4, 5 में से 4 कट गया तो 1 बचा होगा, 1 में इसका टेबल नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ 1 के आगे 0 यानी 10 हो गया, तो 4 टू जा 8, 10 में से 8 कट गया तो 2 बचा होगा, 2 के आगे पॉइंट लगाओ तो 0 लगा सकते हैं यानी 20, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर कितना है 31.25। ठीक है, ये कितना ही लेस है n से, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो n है वो बड़ा है 31.25 से। तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो n जो होता है वो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता, n पूरा पूरा इंटीजर होता है, और n जो है वो 31.25 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी गिनती है पहली जो इंटीजर हो और इससे बड़ी हो, वो है 32। ठीक है ना, 31 से जस्ट बड़ा, क्योंकि 31.25 है, तो यहाँ से जो n है, ठीक है, यहाँ से हमें पता लगता है n की वैल्यू हो जाएगी 32। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू अगर 32 आई है तो जो 32nd टर्म है, ठीक है, वो क्या होगी, वो फर्स्ट 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में इतना, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।